हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जेटे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 1 जून और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 जून 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए सबसे पहले रिविजन करेंगे कल के करंट अफेयर का। कल हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया गया और DRDO ने लड़ाकू विमान सुखोई MKI-30 से ओडिशा के तटों पर रुद्रम-2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसके अलावा एक ही मौसम में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से पर 2 बार चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं सत्यदीप गुप्ता। 2024 से 2026 तक के लिए कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है भारत। इसके अलावा फिक्की ने अभी नई दिल्ली में कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। RBI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7% की GDP दर से बढ़ेगी और 2023 में भारत को $2.6 बिलियन के संप्रभु ऋण को मंजूरी दी है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 30 मई को गोवा का राज्य स्थापना दिवस मनाया गया और अभी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को अभी एक अवार्ड मिला है सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस एडिटर्स चॉइस अवार्ड। भारतीय सेना ने IOCL से अपना पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल बस प्राप्त किया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन। अब हम लोग बढ़ेंगे आज के करंट अफेयर की तरफ, लेकिन पहले इसकी क्विज और PDF कहां पर मिलेगी ये भी जान लो। क्विज और PDF आपको MZT ऐप पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। रोजाना की, डेली, वीकली, मंथली सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, तो आप इसे ले सकते हो। आज मंथली वीडियो आएगी तो आज मंथली वीडियो के लिए भी तैयार रहना, उसकी भी यहाँ पर क्विज और PDF प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा आप हमारी ई-बुक या वीडियो कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी आप चेक कर सकते हो, डेमो वगैरह अवेलेबल है। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड नो टबैको डे या विश्व तंबाकू निषेध दिवस दोस्तों 31 मई को मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है तंबाकू के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए कि तंबाकू का यूज नहीं करना चाहिए, तंबाकू कितना ज्यादा हानिकारक होता है, धूम्रपान निषेध होता है, इसके लिए ये मनाया जाता है 31 मई को वर्ल्ड नो टबैको डे। दोस्तों हृदय रोग हो, स्ट्रोक हो, कैंसर हो, श्वसन संबंधी बीमारियां हो, ये सब धूम्रपान से होते हैं। इस बार की थीम रखी गई है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। 1988 में इसकी शुरुआत हुई थी, WHO के द्वारा ही मनाया जाता है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, हम लोग दोस्तों 2025 तक टारगेट रखे हुए हैं टीबी मुक्त भारत का, ये बात याद रखना। टीबी मुक्त भारत का क्यों, इसके लिए कौन सा अभियान शुरू किए हैं? तो आप कहोगे निक्षय मित्र अभियान शुरू किए हैं, यानी 2025 तक भारत को टीबी उन्मूलन की तरफ ले जाना ही उद्देश्य होगा इसका। ये महत्वपूर्ण दिवस हैं जो अभी तक आए हुए हैं, कल हम लोगों ने रिवीजन किया था तो आज मैं आगे बढ़ूंगा। ये 2 नए डेट ऐड हुए हैं, इनको भी याद रखना। अभी हिंदी पत्रकारिता दिवस के बारे में आगे बात करेंगे। अगला, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? तो दोस्तों उत्तर कोरिया ने नहीं, दक्षिण कोरिया ने, साउथ कोरिया ने अपनी पहली स्पेस एजेंसी शुरुआत की है। देखो साउथ कोरिया जो है ये भी अब स्पेस सेक्टर में आ रहा है खुल करके, अकेले इंडिविजुअल तरीके से। अब तक तो सैटेलाइट लॉन्च करवाया था लेकिन दूसरे दूसरे देशों की मदद से लॉन्च करवाता था, अब अपनी खुद की स्पेस एजेंसी खोलेगा, और ऐसा नहीं है कि इसरो की तरह या बाकी देशों की स्पेस एजेंसी की तरह इसका लंबा इतिहास चलेगा उसके बाद ही आएंगे उस लेवल पर। नहीं भाई, जिनके पास पैसा होता है वो अपने आप रेस में पहुंच जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये कह रहे हैं कि हम आने वाले दिनों में $72.6 बिलियन का खर्च करने जा रहे हैं अपने इस स्पेस एजेंसी पर, और इसके जरिए मात्र 2045 तक ये मंगल ग्रह पर उतरेंगे और इनका पहला मून लैंडर 2032 में लॉन्च हो जाएगा। सोचो इसरो का अगर आप इतिहास देखोगे तो इसरो 1969 में स्थापित हुई थी और अब जाकर के हम लोग मून लैंडर उतार पाए हैं 2023 में। इसके अलावा हम लोग बात कर रहे हैं चंद्रमा पर व्यक्तियों को उतारने की कि 2040 तक जाकर के कहीं हम लोग अपना व्यक्ति उतारेंगे चंद्रमा पर, लेकिन देखो ये अभी स्थापित हो रहे हैं और स्थापित होने के कुछ ही वर्षों में मून लैंडर उतारने की बात कर रहे हैं। तो फिलहाल $72.6 बिलियन ये खर्च करेंगे। अच्छा, ये जो अपनी स्पेस एजेंसी है इनकी, उसका नाम रखे हैं कासा। देखो मिलता जुलता है नाम ना, नासा जैसे है अमेरिका की स्पेस एजेंसी और कासा है इनकी स्पेस एजेंसी।
कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ और देशों के स्पेस एजेंसी की बात करें तो जैसे अमेरिका की नासा आप सुन लिए, इसके अलावा रॉसकॉस्मोस रूस की होता है, CNSA होती है चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम, इसके अलावा जक्सा जो है ये है अमेरिका सॉरी जापान की स्पेस एजेंसी जक्सा, भारत की इसरो है, यूरोप में स्पेस एजेंसी है उसका नाम है ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है, पाकिस्तान के पास पता नहीं शायद है भी कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना की, तो भारत सरकार ने ये बढ़ाकर के कर दिया है 25 लाख रुपए। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी डेथ ग्रेच्युटी जो है इसको बढ़ाया जाएगा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने की योजना है और ये इफेक्टिव माना जा रहा है दोस्तों 1 जनवरी 2024 से, मतलब इस साल के शुरुआत से ही ये इफेक्टिव मान लिया जाएगा। तो ये 7th पे कमीशन के तहत ये होगा, ग्रेच्युटी लिमिट बढ़ाई गई है और ये डिसीजन तब आ रहा है जब अभी कुछ दिन पहले DA को बताया गया था, DA में भी 4% की ग्रोथ देखने को मिली थी और DA बढ़ा करके 50% तक कर दिया गया था। तो अब उसके बाद एक और ये गुड न्यूज है सरकारी कर्मचारियों के लिए, तो फिलहाल सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी की सीमा ये 25 लाख रुपए कर दी गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है इसने जो 25% की सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी थी इसको स्थगित कर दिया है, मतलब इसको लागू नहीं किया, इसके पीछे कारण बता रहे हैं DA में ये बढ़ोतरी किए थे तो इसलिए इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। अगला, हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी WOAH वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ इसका महानिदेशक किसे चुना गया है, तो इसकी महानिदेशक बनाई गई हैं इमैनुअल सॉबरेन। इमैनुअल सॉबरेन आपको यहां पर दिख रही हैं, ये हैं WOAH की महानिदेशक, ठीक है, नई महानिदेशक होंगी 2024 से 2029 तक का इनका कार्यकाल होगा 5 सालों का, ठीक है ना। अच्छा, ये किसकी जगह पर आएंगे, डॉक्टर मोनिक एलेट की जगह लेंगे। तो अभी पेरिस में 28 मई को प्रतिनिधियों ने विश्व सभा में इनके लिए वोटिंग की और उसके बाद फिर इनको चुना गया है इस पद के लिए। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो 1924 में स्थापित हुआ था, तो इस बार इसकी 100वीं वर्षगांठ भी थी, 100 वर्ष भी कंप्लीट हो गए। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, ओके। ये विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन है, एक होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे WHO के नाम से जानते हैं हम लोग। अगला, यहाँ पर कुछ और नियुक्तियां हैं उनका रिविजन करेंगे, जैसे अभी ऋषभ गांधी को इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का MD CEO बनाया गया। जॉन सलेवन ये अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। गुरुचरण सिंह को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का यानी कि NDA का नेशनल डिफेंस अकेडमी का कमांडेंट नियुक्त किया गया। नील मोहन भारतीय मूल के हैं, ये यूट्यूब के नए CEO बन गए हैं। ऋषभ गांधी के बारे में बताया मैंने और ये रिपीट हो गया दोनों। प्रदीप नटराजन IDFC फर्स्ट बैंक का पूर्णकालीन निदेशक नियुक्त किए गए। डेविड सलवागिनी नासा के AI के नए प्रमुख बने हैं। अगला, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने किस देश में प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण लॉन्च किया, तो दोस्तों अभी भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने ओमान में प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण लॉन्च किया है ओमान में। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये पहला डिजिटलाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है क्या, इसका मतलब ये है कि जब से हम लोग ओमान में अपने नागरिकों को भेजे हैं या वहां के नागरिक यहाँ पर आए हैं तो जो नागरिकों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको अभिलेखों में रखा जाए, उनको अभिलेखों में एक यादों में सजो करके रखा जाए और वो अब डिजिटलीकृत कर दिया जाए, जो भी चीज़ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो जो इंडियन डायस्पोरा को बताते हैं कि वो ओमान में कब से रह रहे हैं, आपको बता दें यहाँ पर लगभग 250 वर्षों से ज़्यादा पुराना यहाँ पर ऐसा इतिहास रहा है। गुजरात आप देखोगे तो भारत में बिल्कुल पश्चिम में पड़ता है, तो गुजरात से और इधर ओमान में बहुत कम दूरी पड़ती है, अभी मैं दिखाऊंगा वर्ल्ड मैप में, तो गुजरात से बहुत सारे लोग 1838 से ही वहां पर रह रहे हैं ओमान में, तो उनके भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिजिटलाइज किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो भारतीय नागरिकों के वहां के हैं उनको डिजिटलाइज किया जाएगा और डिजिटल स्टोरेज के रूप में रखा जाएगा। तो ये द ओमान कलेक्शन के नाम से जाना जाएगा जो भारत की ऐसी पहली विदेशी अपनी परियोजना है ओमान में। क्लियर, अंग्रेजी अरबी गुजराती और हिंदी में 7000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हैं जिनको डिजिटलाइज किया गया है। अब चलिए देख लेते हैं वर्ल्ड मैप में ओमान है कहाँ पर। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ से आप देखो गुजरात यहाँ पर है बिल्कुल पश्चिम में और ओमान जस्ट इधर बगल में आपको दिख रहा है। ओमान एक खाड़ी देश है, तो यहाँ पर देखिए तो गुजरात से लोग आते थे ओमान में नौकरी पेशा करने कमाने,
मस्कट इसकी राजधानी है, कैपिटल है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ओमान से भारत के रिलेशन को और ज्यादा मजबूती मिलेगी इस अभिलेखागार से। अगला क्वेश्चन, मुथूट पंपाचन ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? तो अभी मुथूट पंपाचन ग्रुप या कहे मुथूट ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान मुथूट ग्रुप के जो भी बहुत सारे जो सब्सिडरीज हैं, कंपनियां हैं, उन सब के ब्रांड एम्बेसडर का काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मुथूट पंपाचन ग्रुप ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया हुआ है। मुथूट पंपाचन ग्रुप को मुथूट ब्लू के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी है मुथूट फिनकॉर्प, इसके अलावा मुथूट माइक्रोपिन, मुथूट कैपिटल सर्विसेज, मुथूट हाउसिंग फाइनेंस, ये सभी कंपनियां आती हैं। मुथूट फिनकॉर्प के सीईओ हैं साजीव वर्गीज, इनका भी नाम याद रखना। फिलहाल यहाँ ब्रांड एम्बेसडर की बात आई है तो पिछले दिनों में और कुछ ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, जैसे गुरुग्राम प्रशासन ने यजुवेंद्र चहल को नियुक्त किया, SBI ने MS धोनी को नियुक्त किया है, यूनिसेफ इंडिया ने करीना कपूर खान को नियुक्त किया है, एवरेडी ने नीरज चोपड़ा को, स्पीड पेट्रोल ने भी नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, अगला, हाल ही में अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप। ये अमेरिका के 45वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अभी देखो 46वें नंबर के जो बाइडन है उनसे पहले ये थे डोनाल्ड ट्रंप। इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन, रिपब्लिकन पार्टी से थे। इन पर बहुत सारे केसेस चले पिछले दिनों में, जब से ये चुनाव हारे हैं इन पर लगातार केसेस चल रहे हैं। कौन कौन से केसेस, किस प्रकार के? तो देखो इन पर सेक्सुअल असॉल्टमेंट से लेकर के 34 ऐसे चार्जेस लगे हैं चुनाव में हेर फेर करने का, 2016 के इलेक्शन में हेर फेर करने का, 2020 के इलेक्शन के नतीजे को पलटने का, बहुत सारे इन पर आरोप लगे। तो इनको अभी एक पॉर्न एक्ट्रेस के को पैसे देकर 2016 के चुनाव में अवैध रूप से प्रभावित करने की घोषणा में, योजना में इनको 34 आरोपों में दोषी पाया गया है। अब दोषी पाया गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में भाग नहीं ले सकते, भाग लेंगे ये, और वहां पर इस बार चुनाव बहुत जल्द होने ही वाला है तो ये बहुत प्रबल दावेदार भी माने जा रहे हैं। फिलहाल 2020 में आपको पता होगा जब रिजल्ट आया था, जब जो बाइडन जीते थे तब संसद पर वहाँ के जो पार्लियामेंट है उस पर बहुत सारे लोग आ गए थे, डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक जो हैं वो चढ़ गए थे संसद वगैरह पर, काफ़ी बवाल हुआ था, काफ़ी हंगामा हुआ था, तो वो सबका भी पूरा मेन संयंत्रकारी इन्हीं को माना गया है। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से हैं और वहीं जो बाइडन जो हैं वो डेमोक्रेट पार्टी से हैं, दो ही पार्टी वहाँ पर चलती है। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस देश ने रूस के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए यूक्रेन को 2 AS-890 विमानों को दान करने की घोषणा की है? तो दोस्तों स्वीडन ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि वो यूक्रेन की मदद करेगा, ऐसे दो विमान देगा जो वहां पर बॉर्डर्स पर वो निगरानी कर सकेंगे अच्छे तरीके से। तो ये AS-890 विमान होंगे और दो संख्या जो है ये इसमें दिए जाएंगे। तो देखिए, इन फर्स्ट स्वीडन टू सप्लाई AS-890 सर्विलांस एयरक्राफ्ट टू यूक्रेन। तो ये सर्विलांस एयरक्राफ्ट होंगे, बेसिकली बॉर्डर वगैरह पर निगरानी करने के लिए दिए जाएंगे। तो ऐसे में अब यूक्रेन की क्षमता थोड़ा सा और बढ़ जाएगी। F-16 लड़ाकू विमान भी बहुत सारे देश आकर के दे रहे हैं अब यूक्रेन को। F-16 आपको पता होगा ये काफ़ी उन्नत किस्म का दोस्तों जहाज माना जाता है, फाइटर प्लेन माना जाता है। यही वाला प्लेन तो था जो अभिनंदन वर्धमान ने गिराया था, अमेरिका के द्वारा दिया गया था पाकिस्तान को। तो ये काफ़ी एडवांस माना जाता है, अमेरिकी एयरक्राफ्ट है। तो इसको भी बहुत सारे पश्चिमी देश जो हैं इनको दे रहे हैं यूक्रेन को। तो कुल मिला जुला करके बात ये है कि यूक्रेन को फिर से ये लोग पीछे से एड देना शुरू कर रहे हैं, जिससे रसिया को थोड़ा और समय तक ये फंसाए रख सके। स्वीडन ने $1.3 बिलियन की वाणिज्यिक सहायता पैकेज देने की घोषणा की है यूक्रेन को। अब आप सिनेरियो समझ रहे हो, अभी कुछ दिन पहले, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है, स्वीडन जो है नाटो का 32वां मेंबर बना है। तो क्या पता यही डील हुई हो कि चलो हम तुमको 32वां मेंबर बना देंगे, लेकिन तुम एक काम करो कि थोड़ा सा यूक्रेन को और एड करने की कोशिश करो। तो वो अब एड भी करना शुरू कर दिया है। नाटो खुद से सामने से नहीं कर रहा है कोई भी अभी ऐसा फ्रंट पे आकर के मदद कर रहा है, लेकिन बैकएंड से इसने काफी कुछ हेल्प करी हुई है यूक्रेन की। और जब इनकी खुद की बात आती है तो कहते हैं साहब हमारा संविधान ये नहीं कहता है, हमारा संविधान कुछ और ही कहता है। ये लोग यूक्रेन को ऐड नहीं किए अपने में नाटो में, उसमें तो हालत खराब हो गई, लेकिन
बैकेंड से सपोर्ट कर करके कर करके यूक्रेन और रूस का वार जो है पूरा का पूरा बढ़ाए रखे हैं, पूरी दुनिया में टेंशन बनाए रखे हैं, और अमेरिका इसका फायदा लेकर के अपना हथियार वगैरह बेच रहा है। फिलहाल स्वीडन कहाँ पर है इसको भी आइए देख लेते हैं वर्ल्ड मैप में। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ पर अगर आप ऊपर आओगे नॉर्थ में तो आपको ये बड़ा सा देश दिखेगा रूस, और ये छोटा सा देश दिखेगा यूक्रेन, जिस पर रूस और यूक्रेन की चल रही है लड़ाई। अब रूस यूक्रेन हो गया तो स्वीडन आपको इधर दिख जाएगा, स्वीडन आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये है फिनलैंड, फिनलैंड 31वां देश बना था और स्वीडन बना था 32वां देश नाटो में शामिल होने वाला। तो मतलब ये दोनों देश नाटो में शामिल हो गए, और ये बॉर्डर एरिया वाले देश हैं, मतलब रूस अपने बॉर्डर पर आने नहीं देना चाहता था वैसे नाटो को, लेकिन ये आ गए हैं। अब स्वीडन जो है यूक्रेन की मदद करने की बात कर रहा है कि ये अब मदद करेंगे यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी कीव होती है, मॉस्को जो होती है ये रूस की राजधानी होती है, और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम होती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रूस ने किस देश को आतंकवादियों की सूची से हटाने की घोषणा की? तो देखो एक तरफ रूस भी खेला कर रहा है, ऐसा नहीं एक रूस शांत बैठा है। रूस ने क्या किया, रूस ने कहा कि तालिबान जो है अब ये आतंकवादी नहीं है, अब ये देश चला रहे हैं और 3 सालों से चला रहे हैं अच्छे तरीके से, तो अब हम इनको आतंकवादी नहीं मानेंगे, आतंकवादी की सूची से इनको हटा देंगे, यानी अब इनको रिकॉग्नाइज करेंगे। अब इसको रिकॉग्नाइज करने का मतलब क्या हुआ, इसका जियोपॉलिटिकल मकसद से समझिए। रसिया ने जब इसको तालिबान को अपनी टेररिस्ट से हटा दिया, इसका मतलब इसने एक्सेप्ट कर लिया है एक डिप्लोमेटिक तरीके से कि अब अफगानिस्तान नहीं, अब तालिबान ही एक नया देश है, तालिबान जो प्रशासन है वो बढ़िया तरीके से देश के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो, जैसे ये लोग बढ़िया से डिप्लोमेटिक तरीके से कोट पैंट पहनकर खड़े हैं, अब एज्यूम करो आप लोग यहाँ पर ऐसे ही वो लोग तालिबान वाले खड़े हो तो कैसे लगेंगे। फिलहाल रसिया ने इनको हटा दिया है, और इससे पहले कजाकिस्तान ने हटाया, तो यानी अब धीरे धीरे कंट्रीज जो हैं वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे चल करके इंडिया भी हो सकता है रिकॉग्नाइज करे, हालांकि इंडिया अभी ऑफिशियली तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, लेकिन तालिबान में बहुत सारी हेल्प भी करी हुई है जब से वहां पर तालिबान का शासन आया हुआ है। अफगानिस्तान में सत्ता पलटी है 3 सालों में, वहां पर वहां के नागरिकों को बहुत सारी प्रकार से भारत ने हेल्प करी हुई है, और तालिबान के जो मतलब कहें कि जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी अच्छे रिलेशन है अपने, बहुत सारे मामलों में अपने देखा। तो क्योंकि क्या होता है ना, जियोपॉलिटिक्स में कोई भी दोस्त नहीं होता परमानेंट, कोई भी दुश्मन नहीं होता है परमानेंट, सब अपने अपने हित को देखते हैं। जब उधर वेस्टर्न कंट्रीज अपना अलग खेल खेल रही हैं तो रूस ने भी शुरू कर दिया, अब तालिबान को ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, क्योंकि इधर ईरान कमजोर पड़ गया है, ईरान में इब्राहिम रईसी की मृत्यु हो गई, अचानक से मृत्यु हुई या हत्या हुई तो जांच का विषय है, तो इससे ईरान थोड़ा सा कमजोर पड़ा, ईरान रसिया का पक्का साथी था, तो अब तालिबान को ये अपने में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ईरान तो है ही इनके पास, तो इससे मतलब एक अपना भी धड़ा ये मजबूत कर रहे हैं। तो फिलहाल ये थी बातें, अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 30 मई को। हिंदी पत्रकारिता के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, हिंदी जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये दिवस 30 मई को 1826 की याद करता है, जब उद्दंड मार्तंड नाम से पहला हिंदी अखबार लॉन्च किया गया था, कोलकाता में ये प्रकाशित हुआ था। हालांकि तब ये दैनिक नहीं था, लेकिन बाद में दैनिक अखबार भी आने लगे जैसे कि अब आते हैं। तो उद्दंड मार्तंड जो है ये ब्रिटिश शासन के दौरान 30 मई 1826 को पहली बार प्रकाशित हुआ था, तो उसी की याद में हम लोग हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। हालांकि देखो पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का, हालांकि इस टाइम पर इंडिया की स्थिति तो बहुत बुरी है, रैंकिंग में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 159वीं है, पिछली बार तो और भी खराब थी 161वीं थी, इस बार 159वीं है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को, ये भी ध्यान रखना। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ, और हाँ ईबुक आपके लिए लाई गई है सामान्य विज्ञान की रेलवे स्पेशल। इस ईबुक में 120 पेजेस हैं, A4 साइज में है, प्रिंटेबल साइज में, कलरफुल डिजाइन के साथ, विद एक्सप्लेनेशन, विद फिगर्स, जहां पर जरूरी है फिगर्स भी हैं, जहां न्यूमेरिकल्स जरूरी है वो न्यूमेरिकल्स भी हैं, उसके एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के वगैरह के। इसके अलावा लास्ट में आपका वन लाइनर दिया गया है क्विक रिविजन के लिए, जो कि मुझे सबसे ज्यादा खास लगती है,
क्योंकि लास्ट टाइम पर आपको कम समय में कवर करना होता है। तो लास्ट टाइम पर आपको वन लाइनर भी दिया गया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जो रेलवे में पूछे गए हैं। तो ये ई बुक आप अपना बना सकते हो, बहुत पसंद आ रही है लोगों को, बहुत सारे लोगों ने इसको लिया है। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, ये ई बुक आपको दी जाएगी मात्र 75 रेट्स में। ओके, इसमें आप सैंपल्स वगैरह भी देख सकते हो, कुछ और सैंपल टेलीग्राम पर मैंने भेज रखे हैं, वहां से भी जाकर आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोको पायलट और टेक्नीशियन का प्रैक्टिस बुक लेना चाहते हो तो ये ऑफलाइन बुक अवेलेबल है, आप अमेजन पर जाकर ऑर्डर कर सकते हो, मेरे द्वारा डिजाइन की गई है। आगे लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। कल मैंने पूछा था पापुआ न्यू गिनी की मुद्रा क्या है, तो किना होती है मुद्रा। आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को किया गया था। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है एशियाई विकास बैंक में सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है। इसके अलावा एडीबी के बारे में जो भी पता हो सब बता देना। गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा कब है और इस भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया, ये नया क्वेश्चन है, ये भी बता देना। 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया ये भी बता देना मुझे कमेंट करके, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, मैं मिलूंगा कल के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।